नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास Realme C51 मोबाइल है और आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो स्लो चल रहा है, तो आप उसको कैसे फास्ट कर पाएंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तीन टिप्स आपको बताऊँगा, अगर तीनों टिप्स को आप फॉलो करते हो तो जो है आप अपने मोबाइल को हैंगिंग प्रॉब्लम से फिक्स कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका फ़ोन जो है स्लो चल रहा है या हैंग कर रहा है, तो उसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो ये होता है कि आपकी मेमोरी जो होती है वो फुल हो जाती है, तो आपका मोबाइल हैंग करने लग जाता है, यानी कि आपकी रैम, आपके दोनों रैम जो है वो फुल हो जाएगी तो भी आपका हैंग करेगा, और आपका जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो अगर फुल हो जाएगा तो भी हैंग करेगा। तो आपको क्या करना है, फाइल में जाकर के चेक कर लेना है कि आपका स्टोरेज जो है कितना हुआ है। तो यहाँ पर अभी मेरे में 46 GB फ्री है, तो अगर आपके फ़ोन में 4-5 GB रह जाता है फ्री, तो आप उसको खाली कर लीजिए, क्योंकि जब 4-5 GB रह जाता है तो क्या होता है कि फ़ोन जो है हैंग करने लग जाता है। और इसी तरीके से अगर आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं, यानी कि फालतू के ऐप्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो आप जो है क्या करिए, जितने भी फालतू के ऐप्स हैं उनको सबको यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे कि मेरे में काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि अनइंस्टॉल करने लायक है, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। इस तरीके से आपके भी फ़ोन में होंगे बहुत सारे ऐप्स, अगर रखोगे तो क्या होगा, रैम बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका फ़ोन जो है हैंग करेगा। अब दोस्तों, तीसरा कारण जो होता है वो होता है कि काफ़ी ज़्यादा जंक फाइल्स हो जाती है आपके फ़ोन में। तो क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले जितना भी आपका डाटा है, फ़ोटो, वीडियोज़, इम्पोर्टेंट डाटा जो है, उसको आप किसी मेमोरी में कर लीजिए या दूसरे फ़ोन में कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रीसेट मार देना है, यानी कि फॉर्मेट कर देना है। जब आप अपने फ़ोन को रीसेट कर देंगे तो क्या होगा कि जितना भी फाइल का, जितना भी आपके फ़ोन में जंक कचरा होता है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा और फ़ोन बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। तो आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है और सबसे नीचे यहाँ पर सिस्टम पे आना है। सिस्टम पे जाने के बाद रीसेट ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करके आप इरेज ऑल डाटा कर देंगे तो आपको पैटर्न डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने के बाद जैसा नया फ़ोन होता है वैसा हो जाएगा। उसके बाद अपना जो फोटो वीडियो जो है उसको आप फिर से डाल सकते हो, और आपका फ़ोन जो है हैंगिंग प्रॉब्लम से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है हैंगिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो।